जय हिंद आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आई में और ये हमारा फ्यूरियस फाइव सेशन है जिसमें हम पांच क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और पांच क्वेश्चन जो आज के डेली करंट अफेयर्स पे और आप आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पे बेस्ड होगा और ये टेस्ट करेगा कि आपने कितना इंफॉर्मेशन कितना नॉलेज अपने पास रिटेन किया है पढ़ने के बाद एंड ये टेस्ट आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा तो प्लीज वी वेरी सीरियस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ये पांच क्वेश्चन पूरे महीने के एक सौ पचास क्वेश्चन है और पूरे साल के अट्ठारह सौ क्वेश्चन है तो प्लीज वी वेरी सीरियस एक तरीके से ये पूरा का पूरा 365 का जो आपका ये हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसको आपको ये लॉन्ग टर्म में रिटेन करने में काफी हेल्प करता है तो प्लीज आंसर न्यूज एंड कंट्रीज दे बिलोंग टू फर्स्ट विदुद्ध नगर तमिलनाडु श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यूक्रेन एडिडास हाउ मेनी ऑफ द एवर ओनली थ्री ऑल द फोर करेक्ट आंसर इसका है यस फो ऑल द फो बिकॉज आज हमने देखा कि आज विद्युत नगर डिस्ट्रिक्ट न्यूज में था इट इज इन द तमिलनाडु ओके और कोटा से आज हमने लॉन्च किया है तो बी भी, भी सही है और डोनबार जो यूक्रेन का एरिया अभी ये न्यूज में था विद रिस्पेक्ट टू द विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विद रिस्पेक्ट टू और यूक्रेन का वॉर चल रहा है एडिडास अबाबा इथियोपिया में है और अभी इनका सोमालिया के साथ डीलिंग तो चल रहा है रिजॉल्व करने का इनमें जो टसल है और ये यूरोपियन यूनियन के अंडर में हो रहा है तो दिस वाज ऑल इन द न्यूज सो ऑल फोर आर द करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर टू Consider the following statement. Statement 1. The Rasana Dialogue is India's premier conference on geopolitics and geoeconomics committed to addressing the most challenging issues facing the global community. Statement 2. Rasana Dialogue is hosted by India's Indian Space Research Organization in partnership with the Ministry of External Affairs, Government of India. Which one of the following is the correct in respect to the above statements? करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ स्टेटमेंट बोर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ वन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये पहला वाला तो सही है सेकेंड वाला नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पे ऑबजर्वर रिसोर्स फाउंडेशन है तो बी करेक्ट अभी नहीं सी करेक्ट होगा ओके okay, सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर शॉर्ट बर्थ स्पेसिंग Second stillbirth, cesarean section. How many of the above factors are responsible for high risk pregnancy in India? Only two, only three, only four, all the five. अभी हमने देखा ये हम इंडिया में जो रिस्क फैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द हाई प्रेग्नेंसी वो कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा 49% नाइन परसेंट है मेघालय देखा था ये मणिपुर देखा था तेलंगाना देखा था तो ऑल द फोर फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड थे ओके सो yes, डी विल बी द करेक्ट आंसर next question, question number four. the proportionality test evaluates whether the restriction on the rights is justified by legitimate purpose and it is achieved through the least intrusive means possible. b, whether the fundamental rights of the citizen are balanced with the directive principle of the state policy. c, whether the power of judiciary is encroaching upon the power of executive and legislature. d, whether the legislative power of parliament is, uh, uh, is as per

और कितना अधिक पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ सकते थे और कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं जो आप वाइलेट कर रहे हैं राइट right को तो इन्होंने बताया बहुत से अल्टरनेटिव थे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके आप तो, डोनेशन ट्रांसफर कर लेते हैं कोई ट्रस्ट बना देते वो था तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव

का एंटी सैटेलाइट uh, जो वेपन है उन्होंने टेस्ट किया है कोई वेपनाइज कर रहे हैं स्पेस को यूएस को इंटेलिजेंस अभी क्लियरिटी नहीं है उसके अंडर में आप, आज हमने लास्ट क्वेश्चन में डिटेल में पढ़ा और ये आज ये चारों ही उसके पार्ट हैं और इंडिया इस uh, ट्री का पार्ट है प्लीज रिमेम्बर दैट सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन ऑल द बेस्ट जय हिंद